मैं अपने दोस्तों की तरफ से हमारा जो एक ग्रुप है डेरा नाज़िम इत्तेहाद, अपने मैं यूनियन के जो मेरे वोटर सपोर्टर हैं, अपने हलके के लोग हैं, उनकी तरफ से मौलाना लुत्फुर्रहमान साहब को, कफील भाई को, उनके साथ जितने भी हमारे नाज़मीन हैं जो मेहमान आए हैं, उनको मैं अपने गरीब खाने पे वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। मुख्तसर सी बात है जी कि हमारा, चूँकि मैं खुद पीके 113 सिटी 1 पे इंडिपेंडेंट हैसियत से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म था, तो सियासत है इसमें टेबल टॉक होती रहती है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं इधर कि पिछले 4-5 महीने से मेरी सिवाय मौलाना लुत्फुर्रहमान के किसी के साथ कोई ना मुलाकात हुई है, ना मोबाइल पे, ना फेस टू फेस। मौलाना साहब से मौलाना साहब को 8-10 दिन पहले हमारे पास इधर हाजिर हुए थे, आए थे, हमारे दोस्त भी थे। तो उसके बाद 8-10 दिन टेबल टॉक भी हमारी होती रही और आपस में जो हमारे ग्रुप के लोग हैं हमारी मशावरत भी होती रही। उसके बाद हमारी मशावरत इलाके के लोगों के साथ, हल्के के लोगों के साथ, चूँकि हम अवामी बंदे हैं, हमारा एक ग्रुप है, हमने कोई इनफरादी फैसले तो करने नहीं होते, तो मशावरत को ले कर हम कोई तकरीबन 8-10 दिन हमारे मुज़ाकरात भी होते रहे। और इस दौरान हमारी आपस में जो ग्रुप के बल्दियाती नुमाइंदे हैं, हमारा डेरा नाज़िम इत्तेहाद है और हल्के के लोग हैं, सपोर्टर हैं, उनसे भी मशावरत होती रही। मुख्तसर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत और मौलाना लुत्फुर्रहमान की क़यादत पे एतमाद करते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि मेरा जो दाखला था पीके 113 सिटी 1 पे, मैं मौलाना बिरादरान की क़यादत पे एतमाद करते हुए मैं उससे भी दस्तबरदार होता हूँ। मैं हर प्लेटफार्म पे ग्रुप समेत जो हमारा डेरा नाज़िम इत्तेहाद है, जितने मौके पे अभी हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनका मैं नाम भी लूँगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप समझें ये हमारा फेज़ 1 है, क्योंकि टाइम एडजस्टमेंट की वजह से कुछ हमारे नाज़मीन और कौंसलर अभी मौके पे हमारे साथ नहीं हैं। आगे जा के जैसे भी हम उन प्रोग्रामों को शक्ल देंगे तो वो इंशाल्लाह वो उसको आप फेज़ 2 समझें, ये हमारा फेज़ 1 है। तो उसमें मैंने अपना तो आपको बता दिया कि पीके 113 से मैं मौलाना लुत्फुर्रहमान साहब की क़यादत पे एतमाद करते हुए और जमीयत के जितने भी कायदीन हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, उनकी क़यादत पे एतमाद करते हुए मैं इनके उस मामले पे दस्तबरदार होता हूँ। बाकी जो मेरे साथ हमारा जो ग्रुप है, जो लोग हमारे साथ अभी मौजूदा यहाँ पर ऐलान करेंगे, उसमें मेरे चचा साबिक चेयरमैन मलिक खुदा बख्श धब, जो चेयरमैन भी रह चुके हैं और 3 दफ़ा तहसील कौंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं, मेरे वालिद मलिक इमाम बख्श धब जो नाज़िम भी रह चुके हैं, नैब नाज़िम भी रह चुके हैं, मेरे भाई मलिक सादुल्ला धब जो दिवाला 1 से चेयरमैन हैं, नाज़िम खुरम शहजाद खान मौजूद हैं, नाज़िम जाजिब जवेद भाबा भाई मौजूद हैं, नाज़िम हफीज़ भट्टी भाई भी मौजूद हैं, नाज़िम जवेद वज़ीर भाई भी मौजूद हैं। जवेद हमारे ग्रुप के साथ था, हमारा जो डेरा नाज़िम इत्तेहाद है, कल समी अलाज़ई और मौलाना ज़ियाउर्रहमान साहब उसके पास गए थे, मुलाकात हुई है बाकायदा उनका वो, लेकिन वो हमारे ग्रुप के साथ थे। इसरार भाई भी हैं, सबका नाज़िम मोहम्मद अमीन सोलगी वो भी मौजूद हैं इधर ख़ानदान समेत, सबका नाज़िम अनवर कमाल भट्टी हमारे डेरा नाज़िम इत्तेहाद के वो भी मौजूद हैं, सबका नाज़िम खुर्शीद खान पप्पू वो भी इधर मौजूद हैं हमारे साथ, सबका नाज़िम असद जान डुमरा भी मौजूद है इधर हमारे साथ, सबका नाज़िम मोहम्मद अलियास भी मौजूद हैं हमारे साथ, सबका नायब नाज़िम मलिक खलील अमान भी मौजूद हैं हमारे साथ, सबका नायब नाज़िम मोहम्मद परवेज बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, जवेद बलोच, नायब नाज़िम इसरार खान खरोटी भी मौजूद हैं, जनरल कौंसलर हमारे साथ, हाजी रमज़ान भी इधर मौजूद हैं हमारे साथ, किसान कौंसलर मलिक इकराम भी मौजूद हैं, इमरान बातिश मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे वो भी हमारे साथ हैं कौंसलर, किसान कौंसलर हाफिज़ खिजर हयात आने वाले कुछ दिनों में एक हम
पावर शो भी करेंगे जलसे की सूरत में इंशाल्लाह, वो भी सिटी का इंशाल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा, ना हुआ है ना उस तरह का होगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब की क़यादत पे हमें भरपूर एतमाद है और हम भी उम्मीद करते हैं जिस तरह हम अवामी इस पे अवामी ताकत के साथ मौलाना बिरादरान की क़यादत पे एतमाद कर रहे हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे और हमारा जो एतमाद है उसको ठेस नहीं पहुँचेगा इंशाल्लाह। हर प्लेटफार्म पे हम साथ हैं और हर लेवल पे हम जितने भी उम्मीदवार हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, इंशाल्लाह हम उनको भरपूर तरीके से इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं सैयद रसूल दब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके तमाम नाज़िमीन का जो ग्रुप है और जो डेरा इत्तेहाद के नाम से है, सबको दिल की गहराइयों से उनको खुश आमदेद कहता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद किया और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ चलना और उसमें शमूलियत का ऐलान किया है। तो मैं इस हवाले से उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी पूरी जमात आपके साथ हर मैदान पे और भरपूर अंदाज में आपका साथ देगी और जो अज़म आप लिए हुए हैं डी आई ख़ान की तरक्की के हवाले से और डी आई ख़ान के मसाइल को हल करने के हवाले से, तो मेरा ख़्याल है कि हमारा कोई आपस में इस हवाले से कोई मामूली सा भी इख्तिलाफ़ नहीं, बल्कि हम दिल से चाहते हैं कि डी आई ख़ान हमारा घर है और हम एक छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। हम इंशाल्लाह इस छत को मज़ीद मज़बूत बनाएंगे और डेरा इस्माइल ख़ान को तरक्की की राह पर इंशाल्लाह हमने डालना है।